Hello students, myself Dharna, I am your math teacher and today my topic is fraction. What is fraction? Fraction. 1 by 3, 2 by 3, 4 by 5, all are fraction. ठीक है, किसी भी कोई भी स्टेटमेंट जो 3 by 4 अपॉन की फॉर्म में होगी, 7 by 8, 8 by 9, all are क्या है? Fraction. ठीक है, these are फ्रैक्शन. ठीक है, अब टाइप्स बताते हैं फ्रैक्शंस के. फर्स्ट हमारे आ जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन से आएंगे? प्रॉपर. एंड नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर. ठीक है, फर्स्ट आते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, देन थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है. ठीक है, अब आपको ये मैं क्लियर करूंगी. पहले ध्यान रखना, हमारी कोई भी स्टेटमेंट हो, हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है. अगर मिक्स्ड है तो उसको चेंज करेंगे प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में. ठीक है, क्लियर है. अब आपको प्रॉपर की डेफिनेशन क्या है, perfection is a fraction that represent part of whole. proper fraction कौन सी होती है जो represent करती है part of whole, मतलब पूरे part का एक छोटा सा part जो है ना वो whole बताती है. क्या बताती है? Proper fraction is a fraction that represent part of whole. This क्या है? जैसे ये हमारा होगा four part. ठीक है? This one. अब ये, ये क्या है हमारा? क्या बनेगा हमारा whole में? Two. ठीक है? क्यों one by two? Total क्या है? दो है ना? पूरा part हमारा था. ठीक है? तो one whole में two. ये होते हैं हमारे proper fraction. ठीक है? Proper fraction that represent the part of whole. होल का कोई एक पार्ट बताती है. ठीक है, अगर इसमें ऐसे थ्री हो, वन टू थ्री, तो पूरा तो है तो हमारा होल में थ्री. ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल. मींस इसमें जो न्यूमिरेटर है इज लेस देन द डिनोमिनेटर. इसमें जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर का मतलब जो ऊपर जैसे वन डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर, कोई भी स्टेटमेंट फोर अपॉन में नाइन, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर. ठीक है, तो हमारे इसमें मेन हमारा क्या है, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, ध्यान रखना कोई भी स्टेटमेंट हो फोर अपॉन में सेवन, ठीक है, कुछ भी थर्टीन अपॉन में 79 कोई भी. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन जो पार्ट रिप्रेजेंट करते पार्ट ऑफ फोर. इसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर जो हमेशा लेस होगा किससे, डिनोमिनेटर से. न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट है इम्प्रॉपर. नेक्स्ट करेंगे इम्प्रॉपर.
improper flexion. Improper flexion. Improper flexion. Is a combination of whole and proper flexion. mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है? अभी मैंने आपको कुछ बताया था 9/4. ठीक है? 9/4 है ना? इसको मैंने divide किया. ठीक है? अब ये आपको पता है question है ये remainder है वो. ठीक है ना? अब इसको मैं कैसे लिखूँगी? Question कैसे लिखते हैं? माना हो में वैसे लिखते हैं ये इस फॉर्म में जो भी हमारे स्टेबल होते हैं वो होते हैं मिक्स फ्रैक्शन. ये होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइजर, और ये क्या हमारा 2 1 रिमेंडर. 4 2 8 8 + 1 9. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 4 2 8 + 1 अब 4 2 8 + 1 9 9 by 4 आगे स्टेटमेंट. ठीक है, ये होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर या इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट ही प्रॉपर, इंप्रॉपर एंड थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन. कोई भी स्टेटमेंट हो 2 1/2, ठीक है, इसको हमने चेंज करना है प्रॉपर में.